विश्व में इकलौता ऐसा शहर है देवघर, जहां पर रावण दहन नहीं किया जाता है। इसके पीछे ऐसी कथाएं हैं कि जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पूरे देश में रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन देवघर में रावण की पूजा होती है। बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में दशहरा का पर्व मनाया जाता है। यही कारण है कि देश के कोने कोने में और विदेशों में भी लोग दशहरा के अवसर पर बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन कर खुशियाँ मनाते हैं और एक दूसरे को इस विजय पर विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन अन्य जगहों की परंपरा से अलग हटकर देवघर में विजयदशमी के अवसर पर रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है। पुरोहितों की माने तो देवघर में रावण के द्वारा ही पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। यही कारण है कि देवघर को रावण की तपोभूमि माना जाता है और यहाँ स्थापित पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग को रावणेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। जानकारों की माने तो रावण की पहचान दो रूपों में की जाती है, एक तो राक्षसपति दशानन रावण के तौर पर और दूसरा वेद पुराणों के ज्ञाता प्रखंड पंडित और विद्वान रावण के रूप में। देवघर में रावण द्वारा पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना के कारण उसके दूसरे रूप की अधिक मान्यता है। यही कारण है कि रावणेश्वर महादेव की भूमि देवघर में दशहरा के अवसर पर रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है। तीर्थ पुरोहित दुर्लभ मिश्र कहते हैं कि पूरा देवघर रावण का ऋणी है और रावण जैसा ज्ञानी और विद्वान न कभी हुआ है और न कभी होगा। वह शत्रु भी था, सीता हरण के बावजूद कभी उसने राक्षसी प्रवृत्ति नहीं दिखाई। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी और भविष्य ज्ञाता था। वह जानता था कि मोक्ष प्राप्त के लिए विष्णु रूपे भगवान राम से अगर उसके इसका वध होता है तो वह स्वर्गलोक जाएगा। रावण प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण था, लेकिन राक्षस कुल में जन्म लेकर वह राक्षस कहलाया। देवघर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना करें, रावण ने पूरे देवघर की को अपना ऋणी बनाया है, इसलिए इसका पुतला दहन नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ पुरोहित बताते हैं कि रावण भी रावण दहन की परंपरा है, वहाँ रावण को दहन नहीं किया जाता है, बल्कि मनुष्य के अंदर छिपे बुराई को रावण का स्वरूप देकर उसे दहन करने की परंपरा है। रावण का दहन कहीं नहीं होता, सिर्फ मनुष्य के अंदर छुपे बुराइयों को अंत करने का नाम ही रावण दहन है। कि सब जगह हिंदुस्तान में रावण का पुतला का दहन होता है, बैना धाम में नहीं होता है। बहुत लोगों को एक जिज्ञासा रहती है कि रावण जो है तो सब जगह जहाँ होता है, यहाँ क्यों नहीं होता है। उस विषय में हमको दो ही बात बहुत शॉर्ट में बता देते हैं कि रावण का 10 मूल्य था, एक 5 सात्विक, एक 5 क्रोधी तामसी। तो सात्विक कर्म में जो है तो रावण सबसे बड़ा पंडित था, न भूतो न भविष्य थी, न उतना बड़ा पंडित पैदा अभी तक हुआ है, न आगे होगा, न पहले था। रावण इतना बड़ा पंडित था और रावण राक्षसी गुण में भी बहुत बड़ा।